Hello students, now is the time for our moral science class. You know, forgiveness is a great positive thought. When one forgives others, the negative thoughts go away and it brings peace of mind. Forgiveness liberates the soul. Actually, it's a positive power of mind. According to Jesus, if you forgive others, हेवनली फादर विल ऑल्सो फॉरगिव यू. मतलब अगर तुम माफ कर सकोगे तो भगवान भी तुम्हें माफ करेंगे. टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फ्रॉम अवर एम साइंस बुक. इट्स चैप्टर 9. लेट्स लर्न टू फॉरगिव. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अ स्टोरी विच इज अडेप्टेड फ्रॉम अ पैराबल कॉल्ड द प्रोडिगल सन. I know here the words parable and prodigal are unknown to you. So, let me explain. Parable means a simple story to illustrate a moral lesson as told by Jesus. And it is recorded in the Bible. Bible mein jo stories hai, jo Jesus, jo jaise bole, kuch simple stories. जो मॉरल लेसन हम लोगों को देता है उसमें उसको कहते हैं पैराबल. एंड प्रोडिगल मीन्स टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन थिंग्स यू डोंट नीड एंड बीइंग वेरी वेस्टफुल. मतलब जो बिना किसी मतलब के यूं ही पैसे खर्च करते हैं, जो बहुत ही खर्चीला होता है. नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी नेम्ड द लॉस्ट सन. Once there was a farmer who had two sons, Ravi and Raju. So there was a farmer once and his two sons are Ravi and Raju. One day the younger son, the chota beta, younger son Raju said to his father, "Father, could you give me my share of inheritance?" So inheritance matlab hai ki virasat ya uttaradhikar. Ya chota jo beta वो राजू वो क्या कहते हैं उसके फादर से उसकी जो शेयर का जो मनी है मनी या प्रॉपर्टी वो मांगते हैं. आई वांट मनी टू सेट अप माय ओन बिजनेस. अपने अपने एक बिजनेस खोलने के लिए. द फादर थॉट अबाउट इट एंड डिसाइडेड हिज सन्स राजू एंड रवि कुड हैव द मनी एंड ही स्प्लिट इट इवनली बिटवीन द टू ऑफ देम. तो जो मनी जो था उसके पिता के उन दोनों के पिता के पास वो दोनों में बंटवारा करती. As soon as Raju received the money, he decided to move to a different country and have some fun with it before setting up a business. तो जो राजू जो छोटा बेटा वो क्या करते हैं जो बिजनेस के पहले वो एक अलग सी अलग ही कंट्री में चला जाता है. वो बिजनेस के पहले कुछ फन करने के लिए वो सोचते हैं. He had enough money to do both. So he left for good. He took everything he had and didn't plan to return. वो फिर आने के लिए सोचा ही नहीं. वो चला गया forever. He now wanted to spend all his money how he wanted with no one to tell him what to do. किसी को कुछ बताए नहीं और चला गया और money spent करने के लिए. On reaching the new country, Raju spent all the money he had right away. He didn't think to save any of it for setting up his business. वो तो spend करता ही गया कुछ भी save करने के लिए मैं नहीं सोची. He ate out every meal every day. He bought a fancy car and he threw parties. तो वो fun करने के लिए क्या He ate out every meal. बाहर खाने लगा, बाहर खाना खाया और एक फैंसी कार खरीद लिया और पार्टी पे पार्टी थ्रो कर गए. After Raju had spent all his money, he realized he was in trouble. अब एक देखो, सोचो अगर किसी एक मनी या प्रॉपर्टी जो भी हो वो खर्च करोगे तो एक ना एक दिन वो तो खत्म हो जाएगा. वो खत्म हो गया और खत्म जब हो गया तो ट्रैवल में फंस गया. ही हैड नो मनी नो होम एंड नथिंग टू इट.
उसके पास कुछ नहीं रहा, ना पैसे, ना घर, ना ही कुछ भी खाने की चीज। ओह, व्हाट डू आई डू? आई डोंट हैव एनी मनी टू सेट अप अ बिजनेस एंड आई डोंट नो एनी वर्क अदर देन फीडिंग काउज एंड गोट। तो वो सोचा तो मैं क्या करूँ, उसका सब सोच था, मैं क्या करूँ, कुछ भी काम काज वो नहीं जानता था, तो बिजनेस कैसे खोलेगा, कुछ भी पैसे उसके पास नहीं है, कुछ भी काम धंधा उसको आता नहीं, एक्सेप्ट एक ही काम, वो क्या, काउज एंड गोट्स को फीड करना। सो राजू गॉट वर्क ऑन अ फार्म टू फीड काउज एंड गोट्स। एक फार्म में वो ऐसे काम शुरू कर दी टू फीड काउज एंड गोट्स। वन डे ही वॉज सो हंग्री ही ट्राइड टू ईट द फूड दैट द एनिमल्स वर ईटिंग, बट हिज एम्प्लॉयर कॉट हिम एंड टोल्ड हिम इफ ही एवर कॉट हिम डूइंग दैट अगेन ही वुड लॉस हिज जॉब। तो एक दिन इतनी उसको वो खाने के लिए इतना तरसता था कि वो जो काउज एंड गोट्स जो एनिमल्स जो खाते हैं वो खाने लगा, तो उसकी जो एम्प्लॉयर है वो उसको देख ले और वो दे कॉट हिम एंड टोल्ड हिम, क्या बोले कि डोंट डू दिस अगेन, अगर वो फिर ऐसे पकड़ा जाएगा तो क्या होगा, वो काम उसको नहीं मिलेगा। और फिर दैट नाइट राजू वॉज वॉकिंग होम व्हेन ही सॉ सम पीपल वॉकिंग टुवर्ड्स हिम। He asked them if they could give him any money for food, but no one would give him any money or food. कोई भी उसको कुछ भी मनी भी नहीं, पैसे भी नहीं और खाना भी नहीं, कुछ भी देने से इनकार करती। राजू went to bed hungry and when he woke up, he realized something. He missed his home and his family terribly now. So वो भूखा पेट ही सो गया और जब वो उठ गया वोक अप तो रियलाइज की कि ही उसका जो घर उसको याद आया, उसका जो फैमिली उसको याद आया। एट दैट मोमेंट ही मेड अ प्लान, ही वुड गो बैक टू हिज विलेज टू हिज फादर्स हाउस एंड से टू हिम प्लीज हायर मी एज अ वर्कर ऑन योर फार्म। तो वो ऐसे सोचा कि उसको विलेज में वो फिर वापस चला जाएगा और उसको पापा को बोलेंगे कि कुछ भी काम काज करने के लिए उसको रखने के लिए। राजू न्यू दैट इफ ही हैड वर्क ही वुड ऑलवेज हैव अ वार्म प्लेस टू स्टे एंड फूड टू ईट। कुछ तो उसको खाना और घर तो मिल जाएगा, इसलिए वो ऐसे सोचा था। सो ही हेडेड फॉर होम, वो घर के लिए निकल पड़ी। It took him a long time to get home. बहुत दिनों बाद वो घर तो पहुंच गया। He was hoping that his father would let him work at the farm. Raju was walking up to farm, which was still far off, when he saw that someone was running towards him. जब वो घर उसके फार्म के पास पहुंचा तो बहुत ही दूर से वो देख रहा था कि कोई उसको दौड़ता हुआ उसके पास आ रहा है। तो आज इतनी तक, दिस मच फॉर टुडेस क्लास एंड यू ऑल प्लीज रीड द स्टोरी दैट पार्ट, प्लीज रीड द स्टोरी एंड ट्राई टू रियलाइज द स्टोरी एंड द नेक्स्ट पार्ट आई विल टेल यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, सो टिल देन